वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बक्सार से जिस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ उसका मुख्य शीर्षक है कोरोना एक वैश्विक महामारी व बचाव के उपाय। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। करोड़ों की भीड़ में कोरोना मुट्ठी भर लोग ही फैलाते हैं वही लोग बचते हैं इस महामारी से जो भीड़ में नहीं जाते हैं कोरोना ने दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह विश्व के अधिकांश देशों में फैलना शुरू हो गया जिससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगी। इसकी भयानकता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया और अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर लिया जिससे सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। कोरोना संसार की सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में फैलता है। निर्जीव वस्तुओं में यह कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक फैलता है तथा मनुष्य में यह संक्रमित वस्तु को छूने एवं संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकले थूक एवं वाष्प के अति सूक्ष्म कणों के व्यक्त फैलता है। इसके लिए मास्क लगाने एवं 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। साबुन के झाग एवं सैनिटाइजर से इसे फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए साबुन को हाथों से बार बार धोने एवं अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर से हाथों को निसंक्रमित करने के लिए कहा जाता है। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह आँख नाक मुंह से गले में प्रवेश करता है और कुछ दिनों तक गले में ही रहता है जिससे गले में खिंच-खिंच खराश आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। संक्रमित व्यक्ति में सर्दी जुकाम खांसी बुखार छींकना सांस लेने में दिक्कत आदि समस्याएं दिखाई देती है परंतु कुछ व्यक्तियों में इनमें से कोई भी समस्या नहीं दिखाई देती। अभी इलाज नहीं ढूंढा क्या है सावधानी बरतना इसके लिए एकमात्र उपचार है। यह संक्रमित वस्तु एवं व्यक्ति को छूने से फैलता है इसलिए संक्रमित वस्तु रहना इसका उपचार है। व्यक्ति को इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए जैसे किसी भी वस्तु को रूप से नहीं छूना चाहिए क्योंकि वह वस्तु कोरोना से संक्रमित कम 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। विद्यालय कार्यालय एवं बाजार में पारस्परिक दूरी का पालन एवं मास्क का उपयोग हर समय करना चाहिए। घर से बाहर अनावश्यक रूप से नहीं जाना चाहिए। छींकते एवं खांसते समय रुमाल का उपयोग करना चाहिए। रुमाल ना होने पर कोहनी से बाजू एवं कोहनी से नाक एवं मुंह को ढकना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने वाले फल भोजन टॉनिक आदि का सेवन करना चाहिए। दिन भर में अंतराल में साबुन से हाथ धोने एवं संक्रमित वस्तु को सैनिटाइजर से निसंक्रमित करना चाहिए। अपने में कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई देने पर अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।
विश्वास करो देश वालों, कोरोना जाके रहेगा। विश्वास करो देश वालों।